प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, यूरिन टेस्ट किया उसमें दो लाइन आ रही है, बच्चा सोनोग्राफी में नहीं दिख रहा है, अब क्या करेंगे? बीटा एचसीजी लेवल क्या होता है? ब्लड टेस्ट में कई बार डॉक्टर बोलते हैं ना कि अगर यूरिन टेस्ट में नहीं समझ में आ रहा है ब्लड टेस्ट करा लो, पता चल जाएगा। उससे क्या पता चलता है? बीटा एचसीजी किस तरह से बढ़ता है, किस तरह से घटता है, क्यों प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बावजूद बच्चा सोनोग्राफी में नहीं दिखता, क्यों अबॉर्शन होने के बाद 1.5-2 महीने तक प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता रहता है और आप डर जाते हैं कि अब क्या करें? ये सारे क्वेश्चंस का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो सबसे पहले आपका कौन सा हार्मोन बढ़ना शुरू होता है, वो है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। ये निकलता है ओवरी के जो कॉर्पस लूटियम एक स्ट्रक्चर होता है उसमें से निकलता है, और बाद में ये जब बच्चा अच्छे से बन जाता है, करीब 3 महीने का हो जाता है, तो ये आंवल से निकलना शुरू होता है। जब आपका पीरियड मिस होता है, आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं, क्योंकि ये हार्मोन यूरिन से निकलता है। यूरिन में जैसे ही दो लाइन आएगी, चाहे वो हल्की लाइन आए चाहे वो डार्क लाइन आए, यानी कि पॉजिटिव है। हल्की और डार्क लाइन उस पर डिपेंड नहीं करता कि आपके अंदर हार्मोन कितना है, उस पर तो करेगा ही, साथ में कई बार किट पे भी डिपेंड करता है, किट की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। ओके, तो हल्की लाइन भी आई है तो समझ जाइए आप प्रेग्नेंट हैं, लेकिन टेस्ट को ये नहीं कि लेके रख दिया कि यूरिन के ड्रॉप्स डालने के बाद आधे घंटे बाद देख रहे हैं, नहीं, हाथों हाथ 1 मिनट के अंदर या फिर उससे भी कम टाइम में 2 लाइन अगर आई हैं तो पॉजिटिव मानेंगे। रखे रखे अगर वो सेकेंड लाइन अपीयर हो गई, इसका मतलब किट के अंदर कुछ अंदर खराबी है, कुछ केमिकल्स हैं जो रिएक्ट कर गए जिसकी वजह से वो लाइन आ गई। ओके, पहली बात तो ये कि प्रेगनेंसी टेस्ट किसको पॉजिटिव बोलते हैं। हल्की सी लाइन आई चाहे डार्क लाइन आई, डॉक्टर के पास जाइए। अब आप पूछते हैं कि मेरे को ये टेस्ट कब करना चाहिए? आपका पीरियड अगर एग्जैक्टली 28-30 डेज का है तो जो आपका ओवुलेशन टाइम है उसके करीब 2 दिन बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होने के 2-4 दिन 5 दिन मैक्सिमम के बाद आपका ये हार्मोन निकलना शुरू हो जाएगा। तो यूरिन टेस्ट अगर आप पीरियड मिस होने से पहले भी करेंगे 1-2 दिन तो पॉजिटिव आ सकता है, अगर आपकी साइकिल्स रेगुलर हैं तो। आपको पीरियड मिस होने का कई बार वेट करने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर ये बात आपको नहीं अजीब सी अटपटी लगे कि ऐसे कैसे मैं पीरियड मिस होने से पहले कर लूँ, कुछ पेशेंट्स आते हैं मेरे पास कि मैडम पीरियड मिस नहीं हुआ लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं कंसीव कर रही हूँ, मुझे अजीब सी स्मेल आ रही थी नाक में या फिर एक वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था, तो उस समय अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो भी कई बार पॉजिटिव आता है। नहीं तो अगर आप प्रेगनेंसी जिस दिन आपकी जो LMP है, जो आपकी पीरियड्स की डेट है, उसी दिन करेंगे प्रेगनेंसी टेस्ट तो भी पॉजिटिव आ जाएगा। अब आते हैं जिनकी लॉन्ग साइकिल्स होती हैं, जिनको कि 35-40-45 डेज से पीरियड आता है या फिर एकदम ही इररेगुलर है, पता ही नहीं, इरेटिक साइकिल्स हैं, ऐसे केसेस में प्रॉब्लम आती है। ऐसे केसेस में पता नहीं चलता प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना है। ऐसे केसेस में कई बार बच्चा 3-4 महीने तक चला जाता है, बच्चा चाहिए नहीं होता है, लेडी प्रिपेयर नहीं होती प्रेगनेंसी के लिए, और पता चला उसको लगा मेरे तो पीरियड्स इरेगुलर हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट करके क्या करूँगी, हर बार ऐसे ही होता है, बट इस बार वो प्रेगनेंट हो गई। अब वो 3-4 महीने में उसको पता चला और अब डॉक्टर ने मना कर दिया, अब हम अबॉर्शन नहीं करेंगे, ये सबसे खतरनाक बात होती है। तो जब आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो आपको हर मिस्ड पीरियड के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, ज़रूरी है, ठीक है। अगर 45 डेज की साइकिल है तो जैसे कि मैंने कितने वीडियोस में बताया, आपके जो 2 फेज होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, एक पहला फेज ओवुलेशन से पहले का, एक ओवुलेशन से बाद का फेज, बाद वाला फेज एग्जैक्टली 14 डेज का होता है, मैक्सिमम 14-15 डेज, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो पीरियड आने के 15-14 दिन पहले आपको ओवुलेशन हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करिए। अगर आपकी साइकिल 35-40 डेज की है तो आपका ओवुलेशन करीब 30th डे हो चुका है या फिर 25th डे हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना अनुमान लगाइए कि क्या मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। अब आते हैं बीटा HCG टेस्ट क्यों करते हैं। बीटा HCG टेस्ट एक तो पहली बात उनमें करते हैं जिनमें कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, सोनोग्राफी में कुछ दिख नहीं रहा। अब आइडियली अगर बीटा HCG 2000 के ऊपर है तो सोनोग्राफी में छोटा सा एक बच्चा दिखना चाहिए या फिर कम से कम वो सैक दिखना चाहिए, जिसको कि हम जेस्टेशनल सैक बोलते हैं। अगर नहीं दिख रहा है और बीटा HCG का लेवल अच्छा खासा आया हुआ है तो फिर चांसेस हैं कि ये बच्चा यूट्रस के अंदर ना होके कहीं और बाहर है, एक्टोपिक हो सकता है, वो डेंजर वाली बात है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको 2 दिन के अंदर डॉक्टर वापस बुलाएंगे। आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा डॉक्टर से कि 48 घंटे के अंदर बीटा HCG का लेवल देखना जरूरी होता है, एक लेवल से पता नहीं चलता। भाई अगर आपका यूरिन में 2 लाइन आ रहा है और 2 लाइन आ रहा है तो मतलब बीटा HCG तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। बीटा HCG का नॉर्मल लेवल जिसको नेगेटिव बोलते हैं वो 5 होता है, 5 से नीचे। अगर वो 5 से ऊपर है तो 2 लाइन तो दिखाई गई, लेकिन ये पता नहीं कितना है, 200 है, 300 है, 1000 है, 5 लाख है, 10 लाख है, ये हमको पता नहीं, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ता है। तो अगर 2 दिन के अंदर आपने बीटा HCG किया और वो डबल हो गया
तो मतलब बच्चा सही जगह पल रहा है, यूट्रस के अंदर है, ठीक है, अभी नहीं दिख रहा, थोड़ी देर बाद दिख जाएगा, 10 दिन बाद दिख जाएगा, 7 दिन बाद दिख जाएगा। लेकिन अगर बीटा एचसीजी हल्का सा बढ़ा, थोड़ा सा, 3,000 से 3,500 हो गए, 4,000 हो गए, 6,000 नहीं हुआ, डबल नहीं हुआ, इसका मतलब प्रेगनेंसी तो है, सही जगह नहीं है, या तो एक्टॉपिक है या फिर यूट्रस में ही है लेकिन ठीक से ग्रो नहीं कर रही है, यानी कि उसको ठीक से पोषण नहीं मिल रहा है और ये बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा, ये प्रेगनेंसी आपकी फेल हो रही है। इसलिए बीटा एचसीजी को मॉनिटरिंग पे लगाया जाता है, स्पेशली जब सोनोग्राफी से कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता। और क्योंकि प्रेगनेंसी टेस्ट में क्या होता है, जो आप यूरिन टेस्ट करते हैं उसमें सिर्फ एक लाइन या दो लाइन आती है, वो बताता है प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, प्रेग्नेंट कौन से वाले हो, नॉर्मल प्रेगनेंसी है, बच्चा वायबल है, एक्टॉपिक है, मोलर प्रेगनेंसी, कुछ नहीं बताता, वो सिर्फ लाइन दिखाता है, कुछ पता नहीं चलता। इसलिए बीटा एचसीजी बहुत जरूरी है। एक कंडीशन होती है मोलर प्रेगनेंसी, जिसके बारे में मेरा वीडियो आ चुका है, उसमें क्योंकि प्लासेंटा का हाइपरट्रॉफी होता है, प्लासेंटा का ट्यूमर बनता है, ये एक एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है, तो बीटा एचसीजी का लेवल इतना हाई होता है, मतलब नॉर्मल अगर आप चार्ट देखेंगे कि 6 हफ्ते पे या 8 हफ्ते पे कितना बीटा एचसीजी होना चाहिए, तो इस केस में बीटा एचसीजी उससे डबल ट्रिपल होता है। तो ये उस समय यूज होता है जब मोलर प्रेगनेंसी डायग्नोज करनी होती है। डीएनसी करवा लिया आपने, बच्चा गिरवा लिया, नॉर्मल बच्चा था, तो बीटा एचसीजी और यूरिन टेस्ट को वापस नॉर्मल आते आते 1 महीना लग जाता है। कई बार आप एबॉर्शन पिल्स लेते हैं, आपने बोला सोनोग्राफी में, डॉक्टर ने बोला सब निकल गया, या फिर आपने सोनोग्राफी करी नहीं, कितने पेशेंट आते हैं, मैंने गोली खाई थी अभी भी पॉजिटिव आ रहा है मैडम, 1.5 महीने हो गए, फिर आप डर जाते हैं, आप इससे डरते हैं क्योंकि आपने सोनोग्राफी नहीं कराई। तो आपकी यूरिन में जो हार्मोन है वो तब तक निकलता रहेगा जब तक वो 5 के नीचे नहीं पहुंच जाएगा, ब्लड में वो 5 के नीचे पहुंचेगा तब यूरिन वाला टेस्ट नेगेटिव आएगा, उसको नॉर्मल होने में 1 महीना लगता है। मोलर प्रेगनेंसी में क्योंकि ये बहुत हाई जाता है तो इसको वापस नॉर्मल 5 के नीचे आने में 3-4 महीने लग जाते हैं, डिपेंडिंग कि आपने कितना बड़ा मोलर प्रेगनेंसी का बच्चा डीएनसी करवाया। तो मोलर प्रेगनेंसी एक तरह का ट्यूमर है जिसमें बीटा एचसीजी बहुत हाई होता है, और नॉर्मल प्रेगनेंसी में धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो आपको चार्ट्स मिलेंगे, आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं डिटेल में क्योंकि वो आपको डॉक्टर बताएंगे। जब बीटा एचसीजी का टेस्ट होता है तो रिपोर्ट में वो चार्ट बनी हुई आती है कि 6 हफ्ते पे इतना होता है, 8 हफ्ते पे इतना होता है, 12 हफ्ते पे इतना होता है, और 2 दिन के अंदर डबल हो रहा है तो गुड न्यूज़ है, 2 दिन के अंदर अगर गिर रहा है तो मतलब प्रेगनेंसी फेल हो रही है। स्टैटिक है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं आ रहा, तो भी प्रेगनेंसी खराब है, गिर रही है, या तो एक्टॉपिक है या फिर वो यूट्रस के अंदर ही फेल हो गया है। कभी कभी एक कंडीशन होती है जो मैंने पहले कई बार बताई अपने वीडियोस में, केमिकल प्रेगनेंसी। केमिकल प्रेगनेंसी यानी कि आपको टेस्ट पॉजिटिव आ गया, बीटा एचसीजी हल्का सा हाई हो गया, 150-200 तक पहुंचा, बट सोनोग्राफी में बच्चे का कोई नामो निशान नहीं है, और वो बहुत जल्दी नेगेटिव भी हो जाता है, 15 दिन के अंदर वो बीटा एचसीजी वापस नॉर्मल भी आ जाता है, कहीं कोई नामो निशान नहीं था, कोई राइज नहीं हुआ, हल्का सा आया चला गया, यानी कि अंदर कहीं फर्टिलाइजेशन हुआ लेकिन वो बच्चा ठीक से इम्प्लांट ही नहीं हो पाया, वो अंदर ही अंदर एब्जॉर्ब हो गया, तो उसको बोलते हैं केमिकल प्रेगनेंसी। केमिकल इसलिए क्योंकि सिर्फ आपकी केमिकल वैल्यूज बीटा एचसीजी और यूरिन टेस्ट में वो दिखा रहा है, सोनोग्राफी में कुछ नहीं दिखा रहा, आपको कोई सिम्टम नहीं आया। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अभी लेटली बहुत मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, और मेरी एक पेशेंट भी है जो काफ़ी परेशान है इस चीज़ को लेकर, सूडोसाइसिस। सूडोसाइसिस यानी कि फॉल्स प्रेगनेंसी, ये क्या होती है? फॉल्स प्रेगनेंसी होती है जब आपको अंदर से बहुत इच्छा होती है कि आप प्रेग्नेंट हो जाए, तो आपके हॉर्मोन्स उस तरह से बढ़ने शुरू हो जाते हैं, आपको ओवुलेशन होता है लेकिन आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो भी आपको लगता है मेरे पेट पे वेट आ रहा है, मेरे पेट में गैस घूम रही है, आपको पता है, आपको लगता है बच्चा घूम रहा है, वो गैस होती है। आपके सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, आपके ब्रेस्ट बड़े हो जाते हैं, कभी कभी ब्रेस्ट में से मिल्क आना शुरू हो जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें पेशेंट को बच्चा चाहिए, वो अंदर इतना ज़्यादा सोच रही है कि बॉडी ने चेंजेस शुरू कर दिए, उसको बोलते हैं सूडोसाइसिस। ऐसे केस में प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आएगा लेकिन आपकी बॉडी में जो चेंजेस हैं वो प्रेगनेंसी जैसे होंगे। ये बड़ी ही दुखदायी कंडीशन कह सकते हैं, साइकोलॉजिकल कंडीशन है, पेशेंट को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, पीरियड्स रुक गए उसके क्योंकि उसको एनोवुलेशन हो गया, उसको प्रॉपर हॉर्मोन्स जो अप डाउन होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो नहीं हुए, साइकोलॉजिकल, क्योंकि ये सारा जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये ब्रेन से अफेक्टेड होता है। अगर आप स्ट्रेस में हैं, अगर आप इमोशनली परेशान हैं, एनजाइटी है आपको, तो ये सारे हॉर्मोन्स गड़बड़ा जाते हैं, आपके पीरियड रुक गए, आपको मोटापा आना शुरू हो गया, आपकी बॉडी में चेंजेस आ गए, आपको लग रहा है पेट में कुछ घूम रहा है, मेरा पेट बड़ा हो रहा है, बट वो प्रेगनेंसी नहीं है, वो सूडोसाइसिस है। इसको मैं पहले भी एक लेक्चर में कवर कर चुकी हूँ। तो बीटा एचसीजी और यूरिन टेस्ट अगर इस समय करेंगे तो बहुत आपको फायदा मिलेगा, आपको पता चलेगा। यूरिन टेस्ट में आपको विश्वास नहीं हो रहा है, आप बीटा एचसीजी करा लो, वो तो फुल प्रूफ है, वो तो ब्लड टेस्ट है, उसमें क्लियर हो जाएगा कि आप प्रेग्नेंट नहीं, ठीक है। तो बीटा एचसीजी और यूरिन टेस्ट का यही तालमेल रहता है, और इसी को समझाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो तो जरूर इनबॉक्स में पूछिएगा, नेक्स्ट वीडियो में जरूर हाजिर होंगी एक नया और बहुत ही कॉमन टॉपिक लेकर। थैंक यू।